26 नवंबर 2008 मुंबई पर आतंकवादी हमला। मुंबई की देविका रुटावनी की जिंदगी इस तारीख ने दो हिस्सों में बांट दी। एक में वो 9 साल की बच्ची जिसे कसाब ने गोली मार दी, और दूसरी आज की देविका रुटावनी जिसके जज्बे आतंकवादियों की गोली के सामने भी चट्टान से अटल हैं। आईपीएस बनने की सोच तो मुझे उस दिन आ गई थी जिस दिन मुझे गोली लगी। कोर्ट में जाके मैंने कसाब को आइडेंटिफाई किया, तब से मुझे ऐसा लगा कि मैं एक ऑफिसर बनूं और ये पूरे टेररिज्म को मैं खत्म करूं। और मेरे फैमिली से, मेरे पापा से मुझे सीख मिली कि बेटा आप ऐसे चीज में जाना जहां अपने देश का रक्षा कर सको। आर्मी ऑफिसर में मैं तो जा नहीं सकती क्योंकि मैं खुद अभी एक आधी हैंडीकैप जैसे ही समझ सकते हो, पैर की गोली लगी है, 6 ऑपरेशन, तो पैर मेरा उतना भी मजबूत नहीं है। बट मैं आईपीएस के लिए अपनी पूरी मेहनत दूंगी और मैं बनके जरूर दिखाऊंगी। देविका रुटावने अब 20 साल की हैं। कसाब की गोलियां सिर्फ 9 साल की देविका के पैरों को जख्मी कर पाई थी, इरादों को नहीं। अंधाधुंध फायरिंग करते आतंकवादी कसाब का चेहरा देविका की आंखों में कैद हो गया था। ये देविका और उनके पिता थे जिन्होंने अदालत में जज साहब के सामने खड़े होकर कसाब की पहचान की थी। बेहोश नहीं कर रहे थे, टाका मार रहे थे, काट रहे, मैं देख के और डर गई, घबरा गई। वहां मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ, वहां से मुझे जीजा हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। करीबन जीजा हॉस्पिटल में मैं 1.5 महीना एडमिट रही। मेरा पैर का 6 ऑपरेशन किया गया, मेरे पैर की हड्डी टूट चुकी थी, पैर से गोली बाहर निकाला गया। जब मुझे डिस्चार्ज दिया गया तो मैं मेरे राजस्थान गाँव गई। फिर मुंबई क्राइमस ऑफिसर से हमारे काकू को कांटेक्ट किए, बोले कि देविका के पिताजी का नंबर मिलेगा क्या। मेरे पापा से बात किए, बोले कि आप कोर्ट में आके गवाही देने के लिए तैयार है। हम बोले कि हम तैयार है। पापा ने दोनों आतंकवादी को देखा था वहां सीएसटी पे, और मैंने कसाब को देखी थी। फिर 10 जून को मैं और मेरे पापा हम दोनों कोर्ट में जाके कसाब को पहचाने थे। पहले आइडेंटिफाई पापा ने किया था, फिर मैंने किया था। मेरे सामने 3 आतंकवादी रखे थे, उसमें से मुझे कसाब को पहचानना था। जो था जज साहब के साइड में फर्स्ट में बैठा था वो था कसाब।